हरियाणा के यमुनानगर शहर के सेक्टर 18 में रहने वाले शराब ठेकेदार सुशील कुमार उर्फ टिंकू कंबोज को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके गोल्डी बराड़ के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर आरोपी ने उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। जब आरोपी ने रंगदारी के लिए फोन किया तो टिंकू कंबोज जिम कर रहे थे। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दी है। उन्होंने पुलिस से रंगदारी मांगने वालों पर कार्रवाई की मांग की है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने कहा कि वो 22 मार्च के शाम 7:45 बजे जिम कर रहा था। इसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है। फोन करने वाला कहता है कि तो टिंकू कंबोज बोल रहा है ना, तेरे लिए गोल्डी बराड़ का मैसेज है, तो अपनी तैयारी कर ले। ये सुनते ही उसने फोन कर दिया। इसके एक मिनट बाद दोबारा उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई, जिसे उसने अपने दूसरे मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। उससे पूछा गया कि क्या वो टिंकू कंबोज बोल रहा है। उसने कहा हाँ, तो फोन करने वाले व्यक्ति ने धमकी भरे लहजे में कहा कि गोल्डी बराड़ का मैसेज है, 50 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार को और तुझे जान से मार देंगे। तेरे पास सोचने के लिए एक दिन का समय है, तेरे बच्चों के स्कूल के बारे में सब पता है, तू कहीं भी चला जाए तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुमने पहले भी हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करवा रखे हैं, अब तू कहीं भी चला जा तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। इसके बाद उसने फोन काट दिया। पीड़ित ने कहा कि इससे पहले भी पिछले साल उसे काला राणा के नाम से फिरौती मांगी गई थी, जिस मामले में उसने अंबाला के थाना बलदेव नगर में केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। इस पूरे मामले की जांच कर रहे ASI वेदपाल ने कहा है कि सुशील कंबोज से गोल्डी बराड़ के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस तो दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये निकल कर सामने आता है कि लॉरेंस गोल्डी